respected dignitaries, present over the dais and off the dais. I am GVS Jha from Nepal. My topic is that how Hindu jurisprudence has worked as the base of Nepal's family legislation. Due to time constraint, I am going to, in very, very brief, I am explaining these things. Nepal mein sabse pehli baar, agar abhi bhi Nepal ke jab se 2006 se secular country hua hai, अभी भी अगर देखें तो नाम का सेकुलर है, अभी भी हिंदू ट्रेडिशन जो हिंदू लॉज की जितने भी प्रोविजंस थे वो अभी भी वर्क कर रहा है। तो काउ स्लॉटरिंग के लिए अब जैसे कि 1805 में पहली बार काउ स्लॉटरिंग को बैन किया गया था, अभी भी काउ स्लॉटरिंग बैन है, 12 साल तक की जेल इंप्रिजनमेंट है और एकम्प्लिस को 6 ईयर्स की जेल इंप्रिजनमेंट है और जो गाय को चोट पहुंचाते हैं उनको 2 साल की जेल इंप्रिजनमेंट है और इसमें कोई बेल की व्यवस्था नहीं है। तो ये एक अच्छी चीज़ें हैं नेपाल में। और आप अगर फैमिली लेजिस्लेशन की हम बात करें तो अगर नेपाल का सबसे पहला जो कोड था वो 15th century का था, वो कोड ऑफ ह्यूमन कंडक्ट जिसको कहा गया नेपाली में मानव न्याय शास्त्र कहा गया। उसमें मानव न्याय शास्त्र में कहा गया था कि कोई भी अगर मैं अगर पाप करता हूँ तो मेरा बेटा जो होगा वह मेरी बेटी होगी वो कुकर्मी होंगी, वो कभी भी अच्छे संस्कार हुआ उसको मेरा जो गलत कर्म होगा वो उनमें रिफ्लेक्ट होगा। मैं अगर करप्शन करता हूँ, मैं अपने पोस्ट पे करप्ट करता हूँ, मैं एज जुडिशियल ऑफिसर मैं अगर कोई काम करता हूँ ऑर्डर या डिग्री उसमें अगर मैं करप्ट बाई मीन्स से अगर मैं अपना कार्य संपादन करता हूँ तो मेरा बच्चा में उसका रिफ्लेक्शन दिखेगा, कल को वो भी करप्ट निकलेंगी और वो पढ़ नहीं पाएंगी, वो ड्रंकर्ड होंगे, ऐसे कुछ वो मानव न्याय शास्त्र में कही गई थी। तो अगर अभी का जो करंट लेजिस्लेशन की हम बात करें तो करंट लेजिस्लेशन में अगर आप मैरिज की बात यहाँ पर हुई, मैरिज में कहा गया रामायण और महाभारत में कहा गया है कि हाफ ऑफ द सोल वाइफ जो है वो हाफ ऑफ द सोल ऑफ द हस्बैंड है। हमारे जो नेशनल सिविल कोड है जो 2074 विक्रम संवत मतलब 2017 57 का माइनस होता है 2017 में आया, उसमें ये कहा गया कि वाइफ जो है वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द हस्बैंड है। अगर समन इश्यूड होता है इन द नेम ऑफ द प्लेंटिफ तो अगर इन द नेम ऑफ द डिफेंडेंट तो उसका जो समन वुड बी एक्नॉलेज्ड बाय द वाइफ। तो उसका उस हिसाब से देखा जाए तो हिंदू जुरिस्प्रूडेंस की बातों को वहां पर भी रखा गया है। जैसे कि इंडिया में पर्सनल लॉ है, हमारे यहाँ पर कोई ऐसा पर्सनल लॉ नहीं है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है। जैसे इंडियन क्वेश्चन में यूनिफॉर्म सिविल कोड की व्यवस्था करी गई है लेकिन अभी तक अनफॉर्चुनेट फुल फ्लेश्ड इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया है। हमारे यहाँ नेपाल में कोई मुस्लिम भी अगर वन मैरिज से ज़्यादा अगर मैरिज करे एक से दूसरा तो उसको पॉलीगैमी बाइगैमी के लिए चार्ज किया जाता है और 5 साल की जेल होती है। उसमें आप ये दलील नहीं दे सकते हैं कि आप यहाँ पर वो राइट रूल है वो इंडिया में है, आप नेपाल में है तो नेपाल में 5 साल के लिए आपको जेल जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैरिज की जहाँ तक बात हुई, एडॉप्शन की हम बात करें तो मिताक्षरा स्कूल में जैसे कि कहा गया है कि 15 ईयर्स तक का चाइल्ड को अडॉप्ट किया जा सकता है, हमारे यहाँ पर 14 ईयर्स तक का चाइल्ड को अडॉप्ट किया जा सकता है और एज ऑफ डिफरेंस इंडिया में 21 ईयर्स है और नेपाल में पेरेंट्स और जो अडॉप्टेड चाइल्ड है उनमें 25 ईयर्स ऑफ एज डिफरेंस है। तो जो मिताक्षरा और दया भाग की हम अगर पार्टीशन उसमें अगर रिवोल्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी की हम बात करें तो हम मिताक्षरा से क्लोज है क्योंकि हमारा जो जुरिस्प्रूडेंस है वो मिथिला स्कूल से है और मिथिला स्कूल का हेडक्वार्टर वाराणसी है। तो हमारे भी जो आप लोगों के यहाँ पर ट्रेडिशंस हैं वो फुली नेपाल में 99% हम लोग क्लोज हैं आप यहाँ से वाराणसी में जो चली आ रही रीत है उससे। अगर गिफ्ट की हम बात करें तो गिफ्ट जैसे कि भगवद गीता में भी कहा गया है गिफ्ट इज इनकम्प्लीट विदाउट इट्स ट्रांसफर। अगर ट्रांसफर नहीं हो मैं अपने पास ही रख लूँ और गिफ्ट आपको दे तो वो पॉसिबल नहीं है। वो वहाँ पर भी यहाँ इंडिया में भी यही है और नेपाल में भी अनबोर्न चाइल्ड को भी TPA में ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में दिया गया है और सेक्शन 13 में और हमारे यहाँ पर भी अनबोर्न चाइल्ड को भी गिफ्ट दिया जाता है। तो मेंटेनेंस जिसको हम भरण पोषण कहते हैं तो यहाँ पर जैसे कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कर्तव्य द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारे यहाँ पर भी उस चीज़ को कंसिडर किया गया है और हमारा लॉ भी इससे कोई इसमें कोई सेकुलर का कोई कंसेप्ट नहीं है। जैसे कि हिंदू जुरिस्प्रूडेंस का जो बेस है तो नेपाल का फैमिली लेजिस्लेशन में हिंदू जुरिस्प्रूडेंस ही बेस रहा है। और सक्सेशन की हम बात करें तो जैसे कि मिताक्षरा और दया भाग स्कूल में जो डिफरेंसेज हैं तो हमारे मैंने आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट वी आर क्लोज टू मिताक्षरा। तो हमारे यहाँ पर जो जितने कोपार्टनर हैं उनमें डिवोल्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी इक्वली होती है और जैसे कि मान लिया जाए अगर जो पिंड देगा उसको ज़्यादा और जो पिंड नहीं देगा उसको कम, ऐसा कुछ नहीं है, इक्वली डिवोल्यूशन होता है। जैसे कि मनु साहब कहते हैं कि इनकम्पिटेंट पर्सन होगा, इम्पोर्टेंट पर्सन होगा, आउटकास्ट होगा, ब्लाइंड होगा, वुड रिसीव नो शेयर। तो हमारे यहाँ इस चीज़ से अगेंस्ट है, इम्पोर्टेंट है, ब्लाइंड है, फिर भी इक्वली प्रॉपर्टी की डिवोल्यूशन होती है। पार्टीशन की हम बात करें तो अगर
हिंदू लॉ में आई एम सेपरेट फ्रॉम दी, मैं आपसे सेपरेट हो गया हूँ, ये अगर आप कहते हैं तो आप पार्टीशन, तो आप फैमिली से अलग हो गए हैं, अंशबंडा आपका हो गया, जिसको हमारे यहाँ नेपाली में अंशबंडा बोला जाता है। लेकिन हम यहाँ पर हमारे पार्टीशन अगर लेते हैं तो पार्टीशन की रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, हिंदू रजिस्ट्रेशन में पार्टीशन की रजिस्ट्रेशन होना जरूरी नहीं है। तो ये सारी चीजें थोड़ी बहुत चेंजेस आ रखी हैं, लेकिन अगर आपको मोटे तौर पर देखा जाए तो नेपाल की जो हिंदू ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो आज भी जैसे जो काम पहले किंग किया करते थे, जैसे कि पुष्प वृक्ष वर्षा होती थी विवाह पंचमी के टाइम पे, वो अभी राष्ट्रपति करती हैं। जो 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 अभी हमारे यहाँ पर काउ नेशनल एनिमल है उसमें कोई बेल नहीं है, और अगर आप जो जो रिलीजियस वर्शिप्स होते हैं किंग का, राष्ट्रपति साहब जाते हैं।